चर्चा कर रहे हैं दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर दिनकर जो अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के कारण राष्ट्रकवि कहलाते हैं संस्कृति के चार अध्याय जैसी बृहत महत्वपूर्ण रचना जिनकी पहचान बनती है कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसी रचनाओं से जिन्हें विश्व के साहित्य में पढ़ा और समझा जाता है उन्होंने हुंकार जैसी कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं के माध्यम से अनेक कविताएं जो मुक्तक कविताएं रहीं स्वतंत्र कविताएं रहीं उन सब के माध्यम से प्रबंध आदि के माध्यम से वो राष्ट्रीय अस्मिता के गीत गाते रहे राष्ट्रीय गौरव को जिसकी चर्चा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में की हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ बैठे विचारें ये समस्याएं सभी वो देश के राष्ट्र के अतीत की बात भी करते हैं वर्तमान की बात भी करते हैं और भविष्य की बात भी करते हैं ये जो राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं ये इस बात से चिंतित हैं कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है स्वर्णिम इतिहास रहा है स्वर्णिम अतीत रहा है वह धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है इसलिए वो जागृत करते हैं वो सचेत करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपने लेखन के माध्यम से इसीलिए मैथिलीषण गुप्त लिखते हैं भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत अहो क्या जो पहले थे जो सोने की चिड़िया था भारत जहां दूध की नदियां बहती थी क्या आज भी तुम वह रह गए हो पुष्प भूमि कहाँ गई है वह तुम्हारी श्री कहो अब कमल क्या जल तक नहीं सरमध्य केवल पंक है वह राज राज कुबेर अब हा रंक का भी रंक है क्या हमारा स्वर्णिम अतीत था और हम कहाँ आ गए सब कुछ धीरे 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 हमारा आक्रांता लूट कर ले गए और दुनिया में समृद्ध संपन्न देश भारत उसकी क्या स्थिति हुई तो ये जो राष्ट्रीय चिंतन है राष्ट्रीय चेतना और चिंतन के अनेक रूप हैं सुमित्रानंदन पंत ने लिखा भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल इसी तरह पाश लिखते हैं मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में भी हैं जो आज भी वृद्धों की परछाइयों से वक्त मापते हैं ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं चिंतन बिंदु हमें देखने को मिलते हैं जहां हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं अब ये राष्ट्र की अवधारणा है तो हम भारत मानव जाति का पालना है और वह जो प्रसाद लिखते हैं जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा अरुण मधुमय देश हमारा हमारी संपूर्ण मानव जाति की जननी भारत भूमि है सुभाष चंद्र बोस ने भी लिखा राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित होता है इस तरह राष्ट्रीयता के अंतर्गत एकता स्वतंत्रता समानता निर्भयता इनकी बात की जाती है एक की भावना राष्ट्र की अखंडता का मुख्य आधार है परस्पर प्रेम और सौहार्द के लिए समानता का भाव अत्यंत आवश्यक है यह उसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्रता किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की रीढ़ है बैकबोन जिसे हम कहते हैं और निर्भयता राष्ट्रोन्नति हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है बहुत सहायक तत्व है इस तरह हम देख सकते हैं कि इन समस्त बिंदुओं को चिंतन के आयामों को दिनकर ने अपनी कविता में अपने साहित्य में समाहित किया दिनकर आधुनिक हिंदी साहित्य धारा में राष्ट्रीय चेतना के सशक्त हस्ताक्षर हैं सन 1908 में बिहार प्रांत में उनका जन्म हुआ सिमरिया घाट नामक गांव में और वो एक कृषक परिवार में जन्मे इसीलिए भारतीय संस्कृति को वो बहुत नजदीक से समझ भी पाए जान भी पाए और राष्ट्रीय चेतना को जागृत भी कर पाए उनकी शिक्षा दीक्षा बड़े भाई बसंत सिंह ने स्वयं कृषि करके छोटे भाई दिनकर की शिक्षा जारी रखवाई बाल्यावस्था में ही दिनकर का विवाह हुआ पचपन रुपए मासिक मानदेय पर हाई स्कूल में हेडमास्टर का पद सुशोभित पर सुशोभित हुए प्रचार विभाग के डिप्टी डायरेक्टर भी बने मुजफ्फरपुर स्थित पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हिंदी का विभागाध्यक्ष भी रहे यानी शिक्षक भी रहे राज्यसभा के नामित सदस्य भी रहे भागलपुर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति भी रहे और होम मिनिस्ट्री के अधीन हिंदी प्रशिक्षण योजना के सलाहकार भी रहे ये उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं जिनका बहुत संक्षिप्त सा परिचय हम दे पा रहे हैं कुरुक्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण रचना ने उन्हें सम्मानित कराया रश्मि रथी ने भी उन्हें बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के सम्मान दिलवाए संस्कृति के चार अध्याय पर साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिला उन्नीस में राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई जो कि देश की एक बड़ी उपाधि है भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें उन्नीस में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार नागरी प्रचारनी सभा काशी इसी तरह संसद इलाहाबाद तथा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद आदि बहुत सी संस्थाओं से उन्हें बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान मिलते रहे उनकी रचनाओं में हम पद्य साहित्य यानी कविता में देखें तो बारदोली विजय संदेश 1928 में प्रणभंग उन्नीस में रेणुका 1935 में होंकार 1938 में रसवंती उनतालीस में द्वंद्व गीत चालीस में कुरुक्षेत्र जैसी बड़ी महत्वपूर्ण रचना 1946 में आई आज़ादी से एक वर्ष पहले धूप छाँव सैंतालीस में और सामधेनी उन्नीस सौ में बापू जो गांधी जी पर लिखी गई रचना है सैतालीस में इतिहास के आंसू धूप की धूप और धुआं मिर्च का मजा और रश्मि रथी रश्मि रथी भी एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत चर्चित रचना उनकी मानी जाती है दिल्ली शीर्षक से भी उन्नीस उन्नीस में उन्होंने एक काव्य कविता का की रचना प्रस्तुत की नीम के पत्ते नील कुसुम सूरज का ब्याह चक्रवाल कविश्री और सीधी आ, सीपी और शंख नए सुभाषित लोकप्रिय कवि दिनकर उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा परशुराम की प्रतीक्षा भी उनकी राष्ट्रीय चेतना की एक दुर्लभ रचना मानी जाती है आत्मा की आंखें, कोयला और आ, कवित्व दिनकर की सूक्तियाँ ऐसी बहुत सीने रचन, रचनाएँ हैं लोक जैसी उर्वशी जैसी जिनको हम देख सकते हैं गद्य में मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर रेती के फूल हमारी सांस्कृति की एकता संस्कृति के चार अध्याय जिस पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का साहित्य एकेडमी का पुरस्कार भी मिला उजली आग देश विदेश राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता काव्य की भूमिका पंत प्रसाद और मैथिली शरण वेणुमन ये आलोचक भी बहुत उत्तम कोटि के माने जाते हैं धर्म नैतिकता और विज्ञान ये उनके चिंतन की रचना है वट पीपल इसी तरह शुद्ध कविता की खोज राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी हे राम संस्मरण की श्रद्धांजलियाँ भारतीय एकता मेरी यात्राएं दिनकर की डायरी चेतना की शिला विवाह की मुसीबतें आधुनिक बोध ये सब रचनाएं ऐसी अनेक रचनाएं दिनकर की लेखनी से निकली वो वास्तव में लो लेखनी के लेखक थे उनकी लेखनी में जो आ, समय संदर्भ विषय अनुकूल अभिव्यक्ति होती है वह स्तुत्य है दिनकर के काव्य में है के अनेक आयाम हैं सामयिक जीवन की अभिव्यक्तियों पर उनका ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रहा हुंकार की आमुख कविता का दिनकर की राष्ट्रीय विचारधारा के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है वो लिखते हैं समय ढूह की ओर से सकते मेरे गीत विकल छाए आप खींचते उन्हें बुलाने वर्तमान केवल आए शैल श्रृंग चढ़ समय सिंधु के आर पार तुम हेर रहे किंतु ज्ञात क्या तुम्हें भूमि का कौन धनुज का पंत छोड़ रहे जो वज्री का घोष विकट संघात धरा पर जारी है वही रेणुचुन स्वप्न सजा जो छिटक रही चिनगारी है रण की घड़ी जलन की बेला रुधिर पंक में गान करो अपनी साकल धरो कुंड में कुछ तुम भी बलिदान करो ये आह्वान है देश के लिए मातृभूमि के लिए इस राष्ट्रीय अवधारणा के लिए आत्म बलिदान के लिए वो आमंत्रित करते हैं वो चेतना जागृत करते हैं इसलिए मातृभूमि की वंदना भी उनकी राष्ट्रीय चेतना का एक हिस्सा रहा है मातृभूमि वंदना राष्ट्रीय समस्त कवियों की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है और दिनकर ने भी उस मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को अपनी कविताओं में व्यक्त किया मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंज भूत जाल मेरी जननी के हिमकिरीट मेरे भारत के दिव्य भाल मेरे नगपति मेरे विशाल अब ये जो हिमालय पर्वत है जो हमारी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए रक्षक बन के खड़ा है उसके प्रति बहुत से कवियों ने प्रसाद ने भी अपनी कविताओं में अपने नाटकों में हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की तो हिमगिरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हमारी कविताओं में साहित्य में कवियों की दृष्टि में रहा है तू मौन त्याग कर सिंहनाद नाद रे तपी आज तपका नकाल नवयुग शंख ध्वनि जगा रही तू नाग जाग मेरे विशाल इसी तरह जातीय एकता एक महत्वपूर्ण बिंदु है तत्व है राष्ट्रीय चेतना का वहां वो कहते हैं राष्ट्रीयता के सैद्धांतिक तत्वों में जातीय एकता का विशेष महत्व रहा है कवि के हृदय के उदगार इन पंक्तियों में विशेष रूप से देखे जा सकते हैं प्रकट होते हैं हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं पाँव में जिसके अभी जंजीर है बांटने को हाथ तोली जा रही विधवा उस कौम की तकदीर है तो ये जो चिंतन है यह जो एक एक दुखद अनुभूति भी कभी कभी होती है कि उस देश की क्या स्थिति हो गई तो कभी दिनकर उस भाव को सुप्त भाव को जगाते हैं ताव थी जिस किसकी की बांधे कौम को एक होकर हम कहीं मुंह खोलते बोलना आता नहीं तकदीर को हिंद वाले आसमां पर बोलते इस तरह हम देख सकते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव वह भी राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है और दिनकर ने अपनी समस्त काव्य रचनाओं में अपनी समस्त गद्य रचनाओं में इस सांप्रदायिक सद्भाव की मूल भावना को रेखांकित किया उजागर किया और वो कहते हैं कि संप्रदाय मिल जाते हैं जब तो वही राष्ट्रीय की अस्मिता की पहचान बनते हैं दिनकर की राष्ट्रीय भावना व्यष्टिपरक नहीं है व्यक्ति परक नहीं है समष्टिपरक है वो सबके समन्वय में ही राष्ट्र की सफलता देखते हैं इसीलिए जो भारतीयता के प्राचीन आदर्श हैं हमारी जो परंपराएं हैं हमारे जो गौरवशाली अतीत के आदर्श हैं विश्व प्रेम वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना इन सब की कसौटी पर दिनकर की राष्ट्रीय चेतना को हम खरा उतरता हुआ पाते हैं दिनकर वास्तव में भारतीय मूल्यों भारतीय परंपराओं के उपासक रहे हैं वे आधुनिक दृष्टि से उन सब की व्याख्या भी करते हैं उनको नए नए संदर्भों से जोड़कर समकालीन चिंतन के परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं यही विचार रश्मि रथी जैसी दुर्लभ रचना जो सूतपुत्र कर्ण के माध्यम से अभिव्यक्त होती अभिव्यक्ति पाती है वो लिखते हैं जात जाति रटते जिनकी पूंज केवल पाखंड में क्यों क्या जानू जाति जाति है ये मेरे पूछो मेरी जाति मेरी शक्ति हो तो मेरे भुजबल से रवि समान दीप्त ललाट से और कवच कुंडल से कर्ण ये बात जब कहते हैं तो कहा जाता है कि जिसके कारण उनका तिरस्कार हुआ उस जाति से नहीं व्यक्ति को उसके गुणों से उसकी योग्यता से उसकी प्रतिभा से अगर हम देखेंगे तो असली जाति वही है पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास ये जो चेतना है जो सामाजिक विद्रूपताएं थीं देश में जो कई तरह की मान्यताएं जिनको आधुनिक समाज में आकर हमने समझा और हमने उन्हें त्याग देना ही उचित समझा उन सबको भी दिनकर ने हमारे समक्ष एक आदर्श बनाकर एक मानक बनाकर रखा प्रस्तुत किया क्रांति के स्वर दिनकर की कविता में उनकी समस्त रचनाओं में मुखर दिखाई देते हैं दिनकर ने पराधीन देश की आत्मा में छिपी हुई चिनगारी के बारे में कहा अबुद अस्थल बीच भी सुलग रही है कौन आग तो हम देख सकते हैं कि चित्त में हमारे मनों में जो राष्ट्र की भावनाएं सुप्त हो गई हैं उन्हें बार बार वो जागृत करते हैं क्रांति की आराधना का आह्वान करते हैं रेणुका जैसी रचना में मंगल आह्वान करते हुए वह अपनी प्रारंभिक काव्य रचना में यही बात हमारे समक्ष रखते हैं श्रृंगी फूंक कर सोए प्राणों को जगाना चाहता है दो आदेश फूंक दो श्रृंगी, उठे प्रभाती राग महान तीनों काल स्वर में जागे सुप्त भुवन के प्राण गत विभूति भावों की आशा ले धर्म पुकार उठे सिंहों की धन अंध गुहा में जागृत की हुंकार उठे अब ये जो कविता की आंतरिक अनविति है और जो भावों की सात्विक प्रस्तुति है ये दिनकर की कविता की मूलभूत शक्ति है इसीलिए वो राजनीतिक राष्ट्रीयता के संदर्भ में भी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं वो पूरी दुनिया को पूरी विश्व की शांति का सूत्रधार भारत को मानते हैं वो कहते हैं कि यही वह देश है जहां कोई कहीं से भी अनाथ या निराश्रित अगर आता है तो उसे आश्रय मिलता है हमारे देश में जो शांति दूत दुनिया का है वह युद्ध को केवल आत्मरक्षा के लिए अपनाता है इसलिए वह क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसके उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो ये जो काव्य पंक्तियाँ दिनकर प्रस्तुत करते हैं वो ये बताते हैं कि शांति का संचार करने के लिए देश को राष्ट्र को सशक्त होना भी ज़रूरी है अगर तलवार हाथ में होगी तो शांति को कायम किया जा सकेगा लेकिन हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना नहीं चाहते हम हमारी परंपरा राष्ट्र की राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीयता की ऐसी परंपरा नहीं रही वह तो अपनी अपने अस्त्र शस्त्र आदि को केवल आत्मरक्षा के लिए अपनाते हैं तो उसी विश्व शांति के सूत्रधार के रूप में वो भारत की बात करते हैं भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला भारत है संज्ञा विग की उज्ज्वल आत्म उदय की भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की इस तरह हम देख सकते हैं कि दिनकर की दृष्टि में राष्ट्र क्या है राष्ट्र के अर्थ में भारत क्या है भारत की संस्कृति क्या है इन सभी बिंदुओं पर वो चर्चा करते हैं क्रांति परक राष्ट्रीयता की बात भी वो करते हैं वो इस बात के पक्षधर रहे हैं कि यदि आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो वह कोई आ, अनर्गल कोई बुरी बात नहीं है दिनकर को उग्र विचारों का राष्ट्रीय कवि इसीलिए कहा भी गया क्योंकि वो कायरता के रूप में शांति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं इसीलिए दिनकर की प्रारंभिक रचना तांडव की जो पंक्तियां हैं उनको अगर हम देखें जो गहरे प्रलय प्रमोद गगन में अंध धूम हो व्याप्त भवन में बरसे आग बड़े मलयानिल मचे त्राही जग के आंगन में फटे अनल पाताल धसे से जग उछल उछल कूदे भूधर नाचे हे नाचो नाचो हे नाचो नटवर अब भगवान को आराध्य या ईश्वर को नटवर के रूप में वो चाहते हैं जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए एक लहर इधर से आए एक लहर उधर से आए तो वह जो एक एक उदासीनता का भाव अगर हमारे मन में हृदय में आजादी मिलने के बाद आ जाता है तो कभी उससे भी चुप नहीं रहना चाहता और अपने देशवासियों को अपने राष्ट्र के नागरिकों को जगाना चाहता है इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना इसकी पक्षधरता भी दिनकर ने मुखर रूप में की है वो कहते हैं कि राष्ट्र केवल लेने का अर्थ नहीं है राष्ट्र को हम देते क्या हैं? राष्ट्र के लिए हम करते क्या हैं? राष्ट्र के लिए बलिदान के लिए हम प्रस्तुत रहते हैं कि नहीं तो समर्पण ही राष्ट्र मुक्ति का आधार स्तंभ है ये आत्मसमर्पण है ये अपने समस्त भावों की अर्पित भावना इस संदर्भ में नीम के पत्ते काव्य संग्रह में वो लिखते हैं झेलेगा यह बलिदान भूख की घनी चोट सह पाएगा आपी विपद तो क्या प्रताप सा घास चबा रह पाएगा है बड़ी बात आज़ादी का पाना ही नहीं जगाना भी बलि एक बार ही नहीं उसे फिर फिर पड़ता दोहराना भी एक बार अगर हमें आजादी मिल गई तो ऐसा नहीं कि हम उस आजादी को भुलाकर बैठ जाएं जिन शूरवीरों ने जिन राष्ट्रभक्तों ने जिन सेनानियों ने बलिदान किया हम ये न माने कि हम आजाद हो गए इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए बनाए रखने के लिए हमें उस भावों को उन समस्त शुचि पवित्र भावों को आत्मसात करना होगा और बार बार उनका स्मरण करते हुए इसलिए दिनकर की राष्ट्रीय चेतना बहुत व्यापक है संकीर्ण नहीं है यह न केवल ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध मात्र करती है अपितु तो स्वतंत्रता के बाद भी जनता के सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती है दिनकर कहते हैं सकल देश में हलाहल है दिल्ली में हाला है दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अंधियारा है तो ये जो चिंतन है वो पूरे देश में उजाला चाहते हैं इसलिए कोई अतिशयोक्ति की भावना नहीं कि भारतेंदु और मैथिलीषण गुप्त की परंपरा में राष्ट्रीय ध्वज की पताका फहराने का अग्रणी नेतृत्व देने वाले कवि का जो रूप स्वरूप है वो हमें दिनकर की कविताओं में उनकी रचनाओं में दिखाई देता है हम कह सकते हैं कि दिनकर राष्ट्रीय चेतना के हिंदी कविता के नहीं भारतीय साहित्य के भारतीय काव्य जगत के महान कवि रहे हैं और पूरी दुनिया में पूरे विश्व में उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ पढ़ा और याद किया जाता है यहीं हम विराम देते हैं इस विषय को फिर से आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार